नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गाइडिंग सिम्टम्स की इस सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं होम्योपैथिक मेडिसिन हाइड्रोकोटाइल एशियाटिका के बारे में। यह दवा किन किन बीमारियों में अच्छे से काम करती है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप अपडेटेड रहे मेरे लेटेस्ट वीडियोज के साथ में। तो बिना देरी किए हाइड्रोकोटाइल पर चर्चा स्टार्ट करते हैं। गाइडिंग सिम्टम्स की इस सीरीज में हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के कुछ पिक्यूलियर कुछ गाइडिंग सिम्टम्स के बारे में। आज उसी क्रम में हम बात कर रहे हैं होम्योपैथिक मेडिसिन हाइड्रोकोटाइल एशियाटिका के बारे में। यह एक ऐसी दवा है जो कि फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन पर अच्छा काम करती है, साथ ही साथ स्किन कंप्लेंट्स पर यानी चर्म रोगों में भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। यह मेडिसिन प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। यह प्लांट से डिराइव की जाती है। इसको बंगाली भाषा में थांगकुनी भी बोला जाता है, लोकल लैंग्वेज में इसको इंडियन पेनीवर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह दवा आपको सभी प्रकार की बीमारियां, विशेष करके अगर स्किन से रिलेटेड किसी प्रकार का इंटरस्टीशियल इन्फ्लेमेशन है, यानी कि अगर टिश्यू के बीच में इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हो रहे हैं, सेल्युलर प्रोलीफरेशन यानी कि कहीं पर कोशिकाओं में वृद्धि हो रही है किसी भी बॉडी पार्ट में अगर ऐसा हो रहा है, साथ ही साथ हाइपरट्रॉफी या इंड्यूरेशन कह दिया जाए, जैसे कि काफ़ी सारे ऐसे केसेस होते हैं ल्यूपस के या फिर कहीं पर सोराइसिस के केसेस में आपने देखा होगा कि स्किन ओवरग्रो कर जाती है, या वार्ट्स के केसेस में ऐसा देखने को मिलता है। तो ऐसी सभी कंडीशंस के लिए हाइड्रोकोटाइल आपको मदद कर सकती है, विशेष करके अगर कनेक्टिव टिश्यूज में इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो यह दवा आपको बेशक मदद करेगी। ऐसे केसेस जिनको की लेप्रोसी है या ल्यूपस की समस्या है, जहां पर अभी तक अल्सरेशन फॉर्म नहीं हुआ है यानी कि वहां पर घाव नहीं बना है, अल्सर फॉर्म नहीं हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में हाइड्रोकोटाइल दवा आपको मदद कर सकती है। एलिफेंटियसिस के केस में, एलिफेंटियसिस के बारे में दोस्तों आपने सुना होगा कि हाथी पांव भी बोला जाता है इस बीमारी को। यह एक पर्टिकुलर पैरासाइट की वजह से होता है जिसको वाउचेरिया बेनक्रोफ्टाई बोला जाता है। इस पैरासाइट के इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को हाथी पांव की समस्या हो जाती है, यानी कि पेशेंट का पांव फूल जाता है, उनके लिम्फेटिक चैनल में यह पैरासाइट ग्रो करने लगता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो ऐसी कंडीशन के लिए हाइड्रोकोटाइल मेडिसिन आपको जरूर मदद करेगी। ऐसे पेशेंट्स, ऐसी फीमेल पेशेंट्स जिनको कि सर्वाइकल कैंसर हुआ है, यानी कि बच्चेदानी का अगर कैंसर है और उस कैंसर की वजह से पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस हो रहा है वॉम्ब एरिया में, आपको पेड़ों के आसपास में अगर बहुत अनबीरेबल पेन होता है तो उस पेन को मैनेज करने के लिए भी हाइड्रोकोटाइल का उपयोग किया जा सकता है। महिलाओं में प्रोराइटिस वल्वा की कंडीशन में, यानी कि अगर जननांगों में खुजली बहुत ज़्यादा होती हो या हीट महसूस होती हो वेजाइनल पार्ट में, बहुत ज़्यादा गर्म एरिया महसूस होता हो, तो ऐसी कंडीशन में भी हाइड्रोकोटाइल मदद कर सकती है। ऐसी महिलाएं जिनको कि बच्चेदानी के ऊपर वाले जो लिप है या अपर लिप में ऊपर वाले हिस्से में अगर फंगस की समस्या हो, वहाँ पर फंगस ग्रो कर रहा हो, ऐसी समस्या अगर डॉक्टर ने आपको डायग्नोस करके बताया है तो ऐसी कंडीशन में भी हाइड्रोकोटाइल दवा जरूर मदद करेगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि स्किन कंप्लेंट्स में भी हाइड्रोकोटाइल का रोल बहुत ही अच्छा है। अगर ड्राई टाइप के इरप्शंस हो रहे हैं, यानी कि जो स्किन कंप्लेंट्स है उसमें जो इरप्शन हो रहे हैं वो सूखे हैं, उसमें किसी प्रकार का डिस्चार्ज नहीं है, थिकनिंग हो रही है स्किन की, यानी कि जो स्किन की जो लेयर्स है वो मोटी हो रही है, उस पर परत जम रही है और वो परतें शेड ऑफ हो रही है किनारे किनारे से, आपको वहाँ पर फ्लेकिंग्स देखने को मिलते हैं, स्किन फ्लेक्स निकलते हैं, अगर सोराइसिस का केस है, चाहे एक्जिमा का केस है या किसी और प्रकार की कोई फंगस की भी समस्या है, और अगर इस प्रकार के सर्कुलर पैचेज, राउंड पैचेज आपको देखने को मिले, गोल चक्तेनुमा संरचनाएं आपको इरप्शंस देखने को मिले, तो ऐसी कंडीशन में हाइड्रोकोटाइल दवा आपको मदद जरूर करेगी। दोस्तों,
हाइड्रोकोटाइल जो दवा है इसका उपयोग ज्यादातर लोअर पोटेंसीज में किया जाता है, 1x से लेकर 6x या 6CH पावर में भी लोअर पोटेंसीज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर क्लिनिक्स में मैंने देखा है कि टिंक्चर फॉर्म में इसका उपयोग ज्यादा किया जाता है, तो मैं अपनी प्रैक्टिस में टिंक्चर फॉर्म का उपयोग ज्यादा करता हूँ और इसके रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा शानदार है। विशेष करके मैंने देखा कि सोराइसिस के केस में जहाँ पर बहुत ज्यादा मोटी पपड़ी जम जाती है, स्किन की ओवरग्रोथ हो जाती है और फ्लेक्स निकलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हाइड्रोकोटाइल बहुत ही प्यारे रिजल्ट्स देती है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई यह हाइड्रोकोटाइल एशियाटिका मेडिसिन के बारे में इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।